इधर राजौरी में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया। राजौरी और रियासी के जंगल में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना के जवान दो महीने से पीछा कर रहे थे और इस दौरान जवानों को घने जंगलों, पहाड़ों, उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच खराब मौसम का भी सामना करना पड़ा। इसके पहले मंगलवार को भी एक आतंकी ढेर किया गया था। कल हुई मुठभेड़ में सेना के एक जवान रवि कुमार शहीद हो गए, जबकि ऑपरेशन के वक्त मौके पर मौजूद फीमेल डॉग कैंट ने भी कुर्बानी दे दी। दोनों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई। मारे गए दोनों आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान से थे, इसके कई सबूत भी उनके पास है मिले हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के मार्क वाली दवाओं के साथ ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्टवाल ने बताया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारे गए दोनों आतंकियों पर 7 सितंबर से नजर रखी हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ 3 दिनों से मुठभेड़ चल रही थी और इसके बारे में जानकारी देते हुए राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डॉक्टर हसी मुगल ने बताया कि ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों शामिल थे। इस मुठभेड़ में जहां 2 आतंकवादी मारे गए, वहीं सेना के 1 जवान शहीद हो गए जबकि 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज जारी है। और इनके द्वारा लगातार बनाया गया प्रेशर जिसकी वजह से जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की ज़रूरत पड़ने लगी और ये ऑपरेशंस की वजह से लगातार सक्सेस की वजह से 4 सितंबर को हमको पहला सक्सेस मिला था और उसी सक्सेस के बाद तुरंत ही जिसमें कि एक टेररिस्ट की न्यूट्रलाइजेशन की गई थी, बाकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर लगातार पार्टीज की यहाँ पे बिल्डिंग बिल्डअप किया गया और ऑपरेशंस जोरों से इस इलाके में लॉन्च किया गया। ये जो मल्टीपल कॉलम्स थे ये सारे भारतीय सेना के, जेकेबी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, ये सारे मोबिलाइज हुए थे। बड़े सुयोजित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इनको एम्प्लॉय किया गया था और इसी समय करीबन हमको 1-2 साइटिंग्स की खबर आई थी जो कि हमको लोकल पॉपुलेशन के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली थी। राजौरी में मारे गए दोनों आतंकियों के पास से कई सामान और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इन आतंकियों के पास से मिला क्या क्या है। ये देखिए जो सामान उनके पास से मिला है, पाकिस्तान के कयाल इलाके में हुई थी बैठक, ये उनके पास से जो मिला है बॉर्डर पार से हमले का जो ऑर्डर हुआ है वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। AK-47 उनके पास से मिलती है, AK-47 मैगजीन उनके पास से मिली है। तो जो ऑर्डर उनको मिला वो ऑर्डर आप देखिए, पाकिस्तान रात में ऑपरेशन चलाने का प्लान बनाया गया था कि रात को, ताकि सर्च ऑपरेशन भी, क्योंकि मुश्किलात आते हैं कि कैसे मुश्किलात सामने रहते हैं कि जब रात को ऑपरेशन किया जाता है इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो राजौरी में आपने देखा कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर भी 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अनंतनाग में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जवान रवि कुमार शहीद हो गए। शहीद जवान रवि कुमार के परिवार में मातम पसरा है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार के साथ साथ गांव वालों की भी आंखें नम है। शहीद रवि कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रवि कुमार किश्तवाड़ जिले के कालीगढ़ के वसनोती गांव के रहने वाले थे। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जवान रवि कुमार शहीद हो गए। शहीद जवान रवि कुमार के परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है।